शुक्रवार को देश अपना 75वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है। कर्तव्य पथ पर आयोजित मुख्य समारोह में परेड को लेकर खास तैयारी की गई है। वहीं इस बार तलाशी से लेकर सुरक्षा पर विशेष नजर रखी जाएगी। राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोरों पर हैं। इसको लेकर दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के साथ साथ गणतंत्र दिवस की परेड तक की खास तैयारी की हुई है। गणतंत्र दिवस के मद्देनजर स्पेशल सीपी सिक्योरिटी दीपेंद्र पाठक ने महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बताया कि कर्तव्य पथ और आसपास के इलाकों में 14,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। कमांडो स्वाट टीम को स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर तैनात किया गया है। एरियल थ्रेट जैसे ड्रोन पैराग्लाइडिंग जैसे थ्रेट की भी व्यवस्था की गई है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी गणतंत्र दिवस समारोह हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। दिल्ली पुलिस की फोकस्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हर वर्ष दिल्ली पुलिस ने इसे एक पेशेवर, एक प्रोफेशनल तरीके से इस इंतज़ाम को अंजाम दिया है। इस साल भी दिल्ली पुलिस जो तमाम जो थ्रेट परसेप्शन और जो तमाम रिक्वायरमेंट्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए सुरक्षा के पर्याप्त इंतज़ाम किए हैं। दिल्ली पुलिस की सुरक्षा यानी सिक्योरिटी यूनिट, ट्रैफिक यूनिट और जो डिस्ट्रिक्ट यूनिट्स हैं इन सब को साथ इकट्ठा और इसके साथ ही बहुत तरह की जो मल्टी एजेंसीज होती हैं, सेंट्रल एजेंसीज हैं, दिल्ली पुलिस के अदर यूनिट्स हैं, सबको इकट्ठा लेकर एक समग्र सुरक्षा इंतज़ाम किया गया है। कुल मिलाकर जो फंक्शन का एरिया है, जो कर्तव्य पथ और उसके आसपास का इलाका है, वहाँ पर 14,000 से लगभग ज़्यादा फोकस्ड स्पेसिफिक रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ पुलिसकर्मी डिप्लॉय हो रहे हैं। और इसके साथ ही चूँकि सिक्योरिटी और सुरक्षा दिल्ली में खास करके कोई भी जगह आइसोलेशन में नहीं होता है, तो इंटायर दिल्ली और साथ ही जो एनसीआर का रीज़न है उस पर फोकस करके, जो मगर मैं ये कहूँ या अतिशयोक्ति नहीं होगी कि तमाम दिल्ली पुलिस का रैंक एंड फाइल है वो ड्यूटी पे होगा और कर्तव्य पथ और उसके आसपास जो चुनिंदा अफसर और स्टाफ वो एक फोकस्ड, एक उनको बतलाया हुआ कि आपके क्या रोल्स हैं, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और किसी भी सिचुएशन में किस तरह से आपको रिएक्ट करना है और इस चीज़ को इंश्योर करना है कि जो ये गणतंत्र दिवस समारोह है ये फ्लॉलेस एंड फेल प्रूफ तरीके से गुजरे, तरीके से बीते। चाहे वो स्पेसिफिक कमांडोज का डिप्लॉयमेंट हो, क्विक रिएक्शन टीम्स हो, पीसीआर का स्पेसिफिक डिप्लॉयमेंट हो, मोर्चाज हो, एंटी सबॉटाज चेक टीम्स हो और इसके साथ साथ जो स्पेसिफिक स्पेशल सेल की जो स्वैट टीम्स हैं वो हो, इन सबों के पर्याप्त और स्ट्रैटेजिक लोकेशंस पे इंतज़ाम किए गए हैं। दिल्ली पुलिस किसी भी तरह के सिचुएशन को राइट फ्रॉम फैसिलिटेशन से लेकर किसी भी तरह की कोई भी बात अगर होती है या सिचुएशन होता है उसको हैंडल करने के लिए एक प्रोफेशनल रेडीनेस सिचुएशन में है। जैसा कि दिल्ली पुलिस का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि हम बेस्ट पॉसिबल टेक्नोलॉजी का यूज़ सुरक्षा में इजाफा के लिए हम करते हैं और वो हम यूज़ इस साल भी करेंगे। वहीं स्पेशल सीपी ट्रैफिक HGS धालीवाल ने बताया कि 25 रात 10 बजे से बॉर्डर सील कर दिए जाएंगे और 26 जनवरी को सिक्योरिटी चेक होंगे, जिस वजह से ट्रैफिक स्लो रहेगा। दर्शक और आम जनता ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। SGS धालीवाल ने कहा कि परेड खत्म होने के बाद दर्शक जल्दबाजी ना करें जिससे किसी को भी असुविधा ना हो। अलावा जो ट्रैफिक के एडिशनल एक दो पॉइंट्स हैं तो हम उन्हीं पे हाईलाइट करना चाहेंगे, क्योंकि 26 को एलेबोरेट सिक्योरिटी चेक्स होंगे ड्यू टू सेंसिटिविटी ऑफ द ओकेजन। इनफैक्ट 25 रात को ही 10 बजे से बॉर्डर्स सील किए जाएंगे और जो हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हैं या लाइट गुड्स व्हीकल हैं उनकी मूवमेंट बार्ड होगी।
तो इस चीज़ का भी खास ध्यान रखा जाए जिसने भी इधर आना है, तो क्योंकि 10 बजे के बाद मूवमेंट नहीं होगी। और 26 वाले दिन अर्ली मॉर्निंग आर से ही लेबोरेट सिक्योरिटी चेक्स होंगे, जिसके कारण से ट्रैफिक हैज़ टू कैटर टू दी स्पेशल सिक्योरिटी नीड्स ऑफ दी ओकेजन, जिसके कारण से काफ़ी सारी पॉकेट्स में ट्रैफिक जो है वो स्लो रहेगा, बिकॉज आर ऑफिसर्स विल ऑल्सो बी इम्प्लीमेंटिंग ट्रैफिक एडवाइजरी इन व्यू ऑफ दी सेंसिटिविटी ऑफ दी ओकेजन। ट्रैफिक यूनिट ने डिटेल्ड एडवाइजरीज इशू करी हैं कि कौन कौन सी डेजिग्नेटेड पार्किंग है, कौन कौन से पासेज हैं, कहाँ से जिसको कौन से कंट्रोल लेवल के पासेज हैं, उन्होंने कहाँ पे पार्क करना है। इसका पहले से ही अगर डिलीजेंटली फॉलो किया जाएगा तो बाद में कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं होगी जो लोग परेड देखने कर्तव्यपथ या इस एरिया में आना चाहते हैं। इसके अलावा पार्किंग का जो ख़ास तौर पे है, डेजिग्नेटेड पार्किंग्स जो गाड़ियों को हमने कंट्रोल पासेस दिए हैं, ड्यूटी पासेस दिए हैं, उसके अलावा जो लोग वैसे आ रहे हैं उसमें हमारी एक स्पेशल रिक्वेस्ट ये रहेगी जो कि हर बार होती है कि मैक्सिमम पार्क एंड राइड और पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट है उसका यूज किया जा सके। इस बार तलाशी और सुरक्षा में तैनात जवानों को जूतों पर विशेष ध्यान देने के लिए कहा गया है। शुक्रवार को कर्तव्य पथ पर पहुंचने के लिए लोगों को एक नहीं बल्कि फ्रांसिंग के 3 लेयर से गुजरना होगा। सीसीटीवी कंट्रोल रूम में तैनात पुलिस कर्मियों को भी हिदायत दी गई है कि वो लोगों पर पूरी तरह नजर बनाए रखें, खास तौर से जैकेट और जूतों पर ध्यान दें। सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। परेड में आई झांकियों से लेकर परिसर के कोने कोने पर नजर रखने की तैयारी है। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।